एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं, आप लोग ये ब्लॉग को देखना स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग से, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अभी कॉल आया है होटल से। हेलो, हेलो सर, कॉलिंग फ्रॉम आफ्टर द रेन। यस मैम, टेल मी, यू वांट अस टू ब्लॉक द रूम फॉर यू? यू जस्ट डू वन थिंग मैम, यू जस्ट ओनली मेक द रूम एज यू सेड 6250। ओके, ओके, सो दैट यू मेक इट कंफर्म। द डिनर पार्ट वी विल लेट यू नो टुमारो। ओके, कैन यू टेक्स्ट मी योर ईमेल आईडी? आई विल शेयर यू द बुकिंग वाउचर विद द पेमेंट लिंक। वंस यू मेक द पेमेंट द बुकिंग गेट्स, आई विल मेक द हाफ पेमेंट। ओके, सो ओके, ऑलराइट, फाइन। ओके, ठीक है, that I will confirm. Just text me the email ID. Yes, please. So guys, finally we are ready. बिल्कुल ready हो चुके हैं. Everything is done. ये है लीना का gift. लीना को बता दिया already. This one. Because so many cakes are there. फिर और एक केक लेके जा रहा हूँ घर पे. और यहाँ पे flower, पानी का bottle, जो भी चाहिए. ये मेरा सामान, camera bag, normal bag. और वहाँ पे लीना का बैग और मेरा ये सब। तो फाइनली एवरीथिंग इज डन, आई हैव टू। और अभी बजे है सुबह के एग्जैक्टली 4:35 और निकलते निकलते हम लोग का 5 बजे 5 o'clock हो जाएगा। उससे लेट हम लोग नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं करना पड़ता है शॉर्ट के लिए। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। गाड़ी भी पैक हो चुका है और मेरे 2-3 थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, जो कि है मुझे थोड़ा सा ये स्टिकर है इसको लगाना है इधर पर। तो गाइस एक थोड़ा सा बोल दूँ, अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बजे सुबह की एग्जैक्टली 5:07 और अभी हम लोग पकड़ेंगे नाइस रोड बैंगलोर के, फिर हम लोग मैसूर रोड टच करेंगे, फिर पहले चलते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? आर यू एक्साइटेड? Yeah, you are looking terrific. Yes. This only you only gave me. I only give you. Okay, I don't know also. So guys, welcome back to हम लोगों का कपल एक्सप्लोरर, ठीक है? As a couple, हम लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो वही सारी चीजें आपको शेयर करेंगे, ठीक है? चलो। मैसूर से जस्ट ऑलमोस्ट सम अराउंड कितना हो गया चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्ट बोल देता हूँ आप लोगों को, सम अराउंड 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके, हम लोगों को बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था बिकॉज ये जो टाइम है ये अभी सुबह 6:30 का टाइम है। ये 6:30 का जो टाइम होता है ये ट्रांजिशन फेज होता है, मतलब सुबह होती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पावर नैप ले लिया, 5 मिनट्स का पावर नैप ले लिया। सुपर अमेजिंग, फिर से एनर्जी मिल चुकी है। पावर नैप बहुत ज़रूरी है इस तरह के जर्नी के टाइम, कभी भी आप इसको हल्के में मत लेना, दुर्घटना होने से बच सकती है, ठीक है? चलो अभी निकलते हैं, सारे गाड़ी अभी रोड में निकल चुके हैं। टोटल हमारा किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पर 4 hours 32 minutes 200 किलोमीटर। सुपर अमेजिंग, लेट्स गो। Are you ready, Lina? Are you ready? Yes. Lina अभी भी सो रही है because कल वो office से आई थी बहुत late, 9 बजे, फिर 1 घंटा ही सोने को मिला, packing किया। Sudden plan है, बिल्कुल sudden plan है। तो basically तो guys आज सुबह सुबह 7 बजे सबसे पहला काम है लीना को, मैंने ये gift दिया था वो वाला।
तलीना ओपन करो क्या है इस गिफ्ट में। मैं राइड कर रहा हूँ ड्राइव करते करते। गिफ्ट सिंपल है बट कोई बात नहीं। मैंने उसको दूसरा गिफ्ट भी दिया है, ये जस्ट है टेम्पररी। सूरज भी निकल चुका है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैसूर पहुँचेंगे 24 किलोमीटर में, और एक कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बोलते हैं कॉफ़ी इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, ये है फेमस मैसूर जंक्शन सिग्नल। उस साइड में ये ट्रक आ गया, उस साइड में जा सकते हैं ऊटी मैंगलोर उडुपी, और इधर पे सीधा जाएंगे हम लोग टूवर्ड्स ऊटी रोड या फिर बंदीपुर रोड इस तरफ पे। Do you know this? Lina, why Lina is smiling? आज Lina का बर्थडे तो इसीलिए स्माइल, happy, full happy. मुझे भी it's not your birthday. How it come my birthday, your birthday? Your birthday is my birthday, my birthday is your birthday. क्यों बोलते हैं देखो? You don't know this. आमी एक तो gift पाए नहीं बोला है आमर birthday यार, नीचे ही खाली gift. तुम्हें कभी यहाँ तो gift दी चिलाम? Guys, ये है आपका राइट साइड में मैसूर पैलेस, और इस साइड में होता है आपका मैसूर दशहरा। जो दशहरा होती है ना मैसूर में फेमस दशहरा, तो यही ग्राउंड पे होता है। लोग आते हैं कम से कम आपके ऑलमोस्ट साल में आपके उस दिन 1 लाख के ऊपर लोग रहते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मैसूर क्रॉस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 121 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इधर पे एक ग्रीन रेस्टोरेंट बोल के है, ग्रीन रेस्टोरेंट, तो इधर पे हम लोग रुके हैं। और यहाँ पे ये 11:30 को ओपन होता है, बट हम लोगों के लिए भैया एक कॉफ़ी बना के दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए बिकॉज सुबह सुबह निकले थे। वी नीड टू हैव समथिंग। इधर पे कुछ है क्या? लाइट जब आप मैसूर क्रॉस करके जब हम लोग जब रेस्टोरेंट खाए थे उसके बाद हम लोगों को लगा कि और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी मिल जाए मैसूर के बाद आप वहाँ पे कुछ भी, यू कैन हैव टी कॉफ़ी एनीथिंग, ओके, तो आप खा सकते हो। और अभी अभी हम लोग ऑलमोस्ट, एक चीज़ है यहाँ पे 2 आवर्स, देखो यहाँ पे 2 आवर्स 22 मिनट बोल रहा है, लेकिन किलोमीटर 86। इट मीन दैट आगे के रोड खराब होंगे, नहीं तो जंगल होगा। वी हैव टू ड्राइव स्लो। इसका मतलब 86 किलोमीटर 2 आवर 22 मिनट, इट्स प्रिटी ह्यूज टाइम। ये है फॉरेस्ट एरिया, कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया, सुपर अमेजिंग। ये है आपका बंदीपुर टाइगर रिजर्व, फेमस। यहाँ पे सारे आपके फॉरेस्ट के लोग आपको मिलेंगे। Lina, finally we have entered. Yes. Bandipur Tiger Reserve. এখানে আমরা টাইগার চলে আসবে না তো? Maybe, maybe it can. না, এখানে আমরা এলিফ্যান্ট দেখেছিলাম। Yeah, we have seen elephant. इस फाइनल 4.3 किलोमीटर और चारों ओर आपके कॉफ़ी प्लांटेशन, देखो आप देख सकते हो फुल कॉफ़ी प्लांटेशन। कॉफ़ी इज फेमस इन वायनाड केरला, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कॉफ़ी इज एक्सट्रीमली फेमस, कॉफ़ी एंड टी इन केरला। चारों ओर आपको इसी तरह के मिलेंगे। और अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं हमारे, पता नहीं है होस्टल है या रिसोर्ट है, सीरियसली आई डोंट नो। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए आफ्टर द रेन्स।
that actually. लोकेशन इज खतरनाक, क्या बोलते हैं ना, हाँ लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कहीं पे आया हुए हैं, मतलब इट्स अमेजिंग है। मुझे इस तरह का एक्सप्लोर बड़ा मजा आता है। गाइस जस्ट नाउ अभी आए, सबसे पहले अभी कुछ भी नहीं किए, गाड़ी पार्क की, गाड़ी इधर पे पार्क किए, वो सामने से हम लोगों को बोले कि नीचे जाने के लिए, तो गाड़ी पर इधर पे पार्क किए, अभी ऊपर जा रहे हैं।